आज का आधुनिक विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में हर दिन कई नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ इतनी तरक्की के बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। उन्हीं सवालों में एक है टाइम ट्रैवल। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम समय को पार कर सकते हैं, और क्या हम कभी भविष्य में समय यात्रा जैसी घटना का अनुभव करेंगे? इन सभी सवालों का हमारे पास एक ही जवाब है, हो सकता है। लेकिन समय यात्रा पर दुनिया भर में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि वे टाइम ट्रैवलर हैं, और दुनिया को उनकी बातों पर यकीन करने के लिए उनके पास कुछ ऐसी जानकारियां या ऐसी बातें जरूर होती हैं जो उनके समय से बहुत आगे की लगती है, जिससे ये लोग ना चाहते हुए भी उन पर यकीन करने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे समय यात्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दावा किया है कि वो भविष्य से आया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस टाइम ट्रैवलर के बारे में। दोस्तों, ये घटना मार्च 2003 में घटी थी, जब एंड्रयू कार्लसन नाम के एक 44 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कनाडा के टोरंटो शहर में गिरफ्तार किया था। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले शेयर की कीमतों के ऊपर या नीचे होने की जानकारी किसी को पहले से ही होती है। पुलिस को कार्लसन पर शक तब हुआ जब उसने 126 हाई रिस्क वाले ट्रेडों में केवल $800 का इन्वेस्टमेंट किया। केवल $800 इन्वेस्ट करके लगभग $350 मिलियन कमाए। उन्होंने शेयर बाजार में केवल $800 की राशि से 126 बहुत ही ज्यादा रिस्क भरे ट्रेड किए। ऐसे ट्रेड जिनमें कोई भी समझदार इन्वेस्टर कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। शेयर बाजार के अनुसार ये असंभव था, क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां बड़े से बड़ा निवेशक भी कभी सही नहीं होता और अंत में कहीं खो जाता है। लेकिन कार्लसन के मामले में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। कार्लसन के शेयर बाजार में किए जा रहे असामान्य मुनाफे ने सुरक्षा विनिमय आयोग का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें पूरा यकीन था कि इतनी जल्दी पैसा कमाने में कोई कार्लसन की मदद कर रहा है, या उनके पास कोई ऐसा राज है जिसकी मदद से उसने अमेरिकी शेयर बाजार में तहलका मचा रखा है। नतीजन इस संदेह पर FBI द्वारा कार्लसन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कार्लसन और उसकी मदद करने वाले लोगों का पता चल जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मामला और भी पेचीदा होने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि वो साल 2256 से टाइम ट्रैवलर था, इसीलिए उसे पहले से ही पता था कि शेयर बाजार में आगे क्या होने वाला है। लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को बकवास समझा और अपने अपने तरीके से मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को एंड्रयू कार्लसन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। ना तो इस व्यक्ति का कोई आधारिक डेटा था, ना ही कोई अन्य रिकॉर्ड, ना ही कोई पहचान पत्र, और ना ही कोई रिकॉर्ड जो ये साबित कर सके कि एंड्रयू कार्लसन नाम का कोई व्यक्ति उस समय मौजूद था। वर्ष 2003 में एक ऐसे व्यक्ति का हिरासत में आना जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसका रिकॉर्ड कहीं भी मौजूद नहीं था, वास्तव में एक बहुत ही रहस्यमय बात थी। ये ऐसा था जैसे एंड्रयू उस समय दुनिया के लिए मौजूद ही नहीं था। एंड्रयू से जब भी पूछताछ की गई तो उसने हर बार यही कहा कि वो टाइम ट्रैवलर है जो इस दौर में सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से आया है। उन्हें अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए एंड्रयू ने कुछ ऐसी घटनाओं की जानकारी पुलिस को दी जो अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन बहुत जल्द होने वाली थी। उसने पुलिस को प्रस्ताव दिया कि अगर उसे जाने दिया जाता है तो वो उन्हें बताएगा कि भविष्य में इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों से एड्स का इलाज कैसे किया जा सकता है। वो उसामा बिन लादेन की लोकेशन के बारे में
सटीक जानकारी देने को भी तैयार था। उसने पुलिस को बताया कि उसने पहले भी कई बार यात्रा की थी और इसीलिए उसने टाइम मशीन के साथ एक तस्वीर शेयर करने का भी वादा किया था। सौभाग्य से एंड्रयू कार्लसन ने इराक पर अमेरिकी आक्रमण की सही तारीख की सही भविष्यवाणी की थी, जो शायद एक भाग्यशाली अनुमान था, लेकिन वो सही निकला। लेकिन इन सब के बावजूद उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में जेल में डाल दिया गया और उसकी जमानत राशि $1 मिलियन रखी गई, जो एक कैदी को छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी रकम थी। कुछ दिनों के बाद एक गुप्त व्यक्ति ने $10 लाख का बॉन्ड पेपर दाखिल कर एंड्रयू की जमानत करा दी, लेकिन जब जमानत की अवधि समाप्त हो गई तो एंड्रयू फिर कभी अदालत में पेश नहीं हुआ। पुलिस ने एंड्रयू को खोजने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जैसे कि वो यहाँ कभी था ही नहीं। पुलिस ने उसे जमानत दिलाने वाले को खोजने का भी काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो दोस्तों, क्या एंड्रयू अपने समय पर लौटने में कामयाब रहा और क्या वो वास्तव में एक समय यात्री था या एक पेशेवर शख्स था? इस रहस्य का जवाब किसी के पास नहीं है।